आप ये सब कुछ मेरा सामान देखकर सोच रहे होंगे कि ये मेरा सामान क्यों बिखरा हुआ है और ये बैग देखकर। तो मैं अभी जा रही हूँ बाहर, तो मैंने सोचा कि इसके पहले मैं ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो मैं कल जा रही हूँ दिल्ली अपने ऑफिशियली टूर पे। तो मैं जा रही हूँ वाया फ्लाइट। तो ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाऊँ। तो मैं अपनी ये जाने की तैयारी से लेके लौटते तक का और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा उसके ऊपर मैं एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि मैं ऑफिशियल टूर पे जा रही हूँ, तो साथ में मेरे बॉस भी रहेंगे और भी कलीग्स रहेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पे ब्लॉग वीडियो शूट कर पाऊँ, जितना भी कर पाऊँगी मैं आप लोगों के लिए शूट करूँगी। तो मैं यहाँ पर अपनी पैकिंग कर रही हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जब फ्लाइट में जाते हैं तो बहुत ही लिमिटेड सामान और क्या हमें ले जाना चाहिए और क्या नहीं, तो उस हिसाब से क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रख के अपना बैग पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक छोटा वाला अपना बैग ले जा रही हूँ और इसमें अब हम अपना बैग अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर मैंने अपने ऑफिस के हिसाब से कपड़े लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी कपड़े देख रहे हैं ये मेरे फॉर्मल्स टाइप के हैं, सारी कुर्तियां हैं जिनको मैंने अच्छे से प्रेस करके रख लिया है क्योंकि मैं फ्लाइट में प्रेस लेके नहीं जा रही हूँ। तो मैंने सारे कपड़े प्रेस करके रख लिए हैं। तो यहाँ पर मैं इनको अरेंज करती हूँ। ये कुछ मेरे पैंट्स वगैरह हैं, थोड़ा हटा लेना है ना, इधर उधर होगा तो। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने सारे कपड़े अरेंज कर लिए हैं। तो मैं 10 दिनों की टूर पे जा रही हूँ, तो मैंने 10 दिन के हिसाब से यहाँ पर ऑफिशियल कपड़े रखे हुए हैं। साथ में यहाँ पर मैंने इस छोटे वाले बैग में अपने सारे थोड़े बहुत जो कि ब्रश और क्रीम वगैरह सब इसमें अरेंज किया है एक ही बैग में, छोटे मोटे सामान शैम्पू वगैरह। और मेरे इस वाले बैग में थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान है जैसे लिपस्टिक लिप बाम वगैरह, तो बहुत ही कम सामान है। तो ये मैं ये दो बैगों में अरेंज कर दिया है छोटे वाले। तो यहाँ पर ये मेरा बैग सेट हो चुका है। साथ में मेरा ये हैंड बैग रहेगा एक, क्योंकि मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि मेरा लैपटॉप है और जो भी मेरा चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा मैं इसमें कैरी करूँगी। तो ये मेरे दो बैग रेडी हैं कल सुबह की फ्लाइट के लिए। तो मेरी कल की फ्लाइट है सुबह 8 बजे की, जिसके लिए मैं घर से लगभग 5:30 बजे निकलूंगी। तो भोपाल के एयरपोर्ट जाना है हम लोग को और भोपाल टू दिल्ली की मेरी फ्लाइट है। तो उसके बाद मैं अब आगे का जो वीडियो है कल शूट करूंगी। मैं जितना भी शूट कर पाऊँ मैं आप लोग को अभी कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन अगर जितना भी मैं वहाँ शूट कर पाई तो शूट करूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, आगे मिलते हैं। तो ये देखिए मेरा बैग अच्छे से अरेंज हो चुका है, यहाँ पर भी और सामान है। तो इस वाले बैग में इस वाली साइड में इतना सामान है और यहाँ पर इतना। तो ये मेरा बैग पैक हो चुका है। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस अब कुछ देर में कैब आने वाली है, उसके लिए मैं उसके बाद मैं घर से निकलूँगी एयरपोर्ट के लिए। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी सुबह के 5:30 बजा है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को मैं ये थोड़ा अपडेट दे दूँ। तो मेरी सारी तैयारी हो गई, प्रिपरेशन हो गई है और मैं तैयार भी हो गई हूँ, बस अब जाने के लिए रेडी है। तो चलिए निकलते हैं और देखते हैं कि आज कैसा लगता है और फिर मैं आप लोगों के साथ अपना ये सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो बस बने रही है। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं घर से। ऑफिस की जो गाड़ी वो हमें ड्रॉप कर देगी। और यहाँ पर चलते चलते, जैसे कि आप जानते हैं कि भोपाल झीलों का शहर है, आपको यहाँ बहुत सारी झीलें दिखेगी। तो यहीं पर हमें रास्ते में पड़ती है ये लेक व्यू जो काफ़ी फेमस है भोपाल में। तो इसका पानी बहुत उथल पुथल दिख रहा था क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लो है। और ये लीजिए हम पहुँच चुके हैं राजा भोज हवाई अड्डा। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है राजा भोज हवाई अड्डा। तो हम पहुँच चुके हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं फ्लाई करने जा रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि इस हवाई अड्डे में भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। तो ये मेरी ऑफिस ट्रिप है जिसमें मुझे 2 वीक्स के लिए जाना है दिल्ली। तो मैं आपको अब फाइनली बताती हूँ कि मैं अपने ऑफिस ट्रिप के लिए जा रही हूँ 2 वीक
वीक के लिए। और यहाँ देखिए मैं अंदर आ चुकी हूँ सारी प्रोसीजर करके, वेब चेक इन, आईडी चेक इन, आपके बैग्स चेक इन, जितने भी आपके पास बैग है वो सारा अच्छे से चेक इन होता है यहाँ पर। तो अब और हम चले अंदर, और मैं यहाँ बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पा रही क्योंकि साथ में मेरे ऑफिस के लोग भी हैं तो उनके सामने इतना ठीक नहीं लगता है। तो ये मैं आ चुकी हूँ अंदर एरोप्लेन के, और आप ये सीट्स देख पा रहे हैं यहाँ पर। और मेरी जो सीट है ना वो एकदम विंडो साइड वाली है, एकदम विंडो के किनारे में। तो मैं यहाँ पर नमस्कार, बैठ चुकी कृपया हूँ अपने बाएं और कान मेरे को अपनी साइड में जो खाली एक और करें सीट क्योंकि थी ना उनका वहाँ खाली पर कोई कोई नहीं नहीं आया था था, तो वो एकदम और छोटे खाली थी। बाक्स में और सामने आप ये वाली देखिए कुर्सी भी बाहर का मुझे नज़ारा चाहिए। यहाँ से, और ये मेरी पहली टिकट। तो आप कोई भी चीज़ पहली बार करने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन जब मैंने क्योंकि 1 घंटा और कुछ मिनट की फ़्लाइट थी तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। तो बस देखिए यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ और ये मैं बाहर का थोड़ा बहुत शूट कर रही थी एयरपोर्ट का। और यहाँ अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट करने की कोशिश की, लेकिन सारे लोग अभी अंदर आ रहे थे तो थोड़ी भीड़ थी और सभी लोग देख रहे थे। तो मैंने बहुत ही नॉर्मल सा वीडियो शूट किया है, वरना मैं कुछ अच्छे से भी करती, बट इतना ठीक है फर्स्ट टाइम के हिसाब से। जब आप कंफर्टेबल हो तो और अच्छे से कर पाते हो। तो बस यहाँ पर मैं वीडियो शूट करी थी, मुझे आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें दिखाना था, अब आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करनी थी मुझे। तो बस, और ये इंडिगो की फ़्लाइट थी तो इंडिगो में भी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ पर इनकी ये कुछ बुकलेट वगैरह थी, तो आप इसको यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। और अब क्या होने वाला था, फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, अनाउंसमेंट हो रही थी, तो यहाँ पर आप, मैंने अपना सीट बेल्ट भी लगा लिया था। और तीन और मिनट अब बाद इस फ्लाइट देखिए को बोर्डिंग प्लेन करने जो के है लिए वो आपको धीरे बोर्डिंग पास धीरे लेना चलना पड़ेगा। शुरू हो गया है, कैबिन में सुविधा तो प्रदान करें, बस यहाँ से थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन स्पीड मास्क, बढ़ रही आपकी थी। कुर्सी की तो सुविधा इस के लिए वक्त आपको कुछ कुछ लगता खाने नहीं की है, जरूरत है, मुझे थोड़ा आशा है सा कि आप अपनी जब कुर्सी पर मुझे बैठे हैं मुझे एक और जगह लगा ऑक्सीजन वो की है कि सुविधा जब प्राप्त प्लेन हो रही है, आपकी कुर्सी एकदम पर बैठे तेज़ी से हैं टेक ऑफ और करने के आपकी लिए आगे कुर्सी बढ़ता है और एकदम एकदम टेक ऑफ करके हवा में एकदम इलेक्ट्रॉनिक जाता चेंज है, इन तब थर्मोस्टेट थोड़ा सा उस के समय बाद कुछ सुविधा पेट में फील होता बढ़ है जो जाएगी मेरे हुआ था, मैं और अपना बता रही सिग्नल हूँ आपको। ठीक से लेकिन फिर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ऐसे कुछ फील नहीं होता है। तो बस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वक्त प्लेन चलना शुरू हो गया था, मैं तो एकदम शूट कर रही थी उस समय मैंने, और फिर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बस मैं शूट करने में लगी थी इसलिए भी मुझे और कुछ ज़्यादा थोड़ा फील नहीं हुआ हुआ बट मैंने यहाँ पर शूट भी मैं करती गई आप लोगों को दिखाने के लिए। और देखिए यहाँ पर और भी प्लेन्स जो है वो खड़े हैं। तो और जो मौसम था वो काफ़ी अच्छा था, बादल एकदम काले काले हो रहे थे, थोड़ा पानी वाला मौसम था। तो ये 16 अगस्त का वीडियो है जो मैं अभी एडिट कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, जैसा कि मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस शेड्यूल के हिसाब से, तो मैं ये काफ़ी लेट एडिट करके अपलोड कर रही हूँ आप लोग के लिए। और ये देखिए यहाँ पर ये रनवे है, यहाँ से प्लेन टेक ऑफ करना शुरू होते हैं और अब प्लेन ने स्पीड पकड़ ली है और अब बस ये उड़ने ही वाला है ऊपर हवा में। तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आया, थोड़ा सा डर लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अब आप देखिएगा एकदम प्लेन तेज़ी से एकदम ऊपर हवा में आ जाएगा और जो होगा ना व्यू एकदम से आपके सामने एकदम धुआं धुआं आ जाता है, आपको बाहर का कुछ भी नहीं दिखेगा, 1 सेकंड में ही आपको सब कुछ बादल जैसा दिखेगा। तो देखिए जैसे अब आ चुके हैं हम ऊपर, टेक ऑफ करने के बाद ऊपर आ गए हैं और अब देखिए थोड़ा थोड़ा आपको धुंध जैसा दिख रहा होगा और अभी 1 सेकंड में ही ये सब कुछ, ये देखिए अब आपको कुछ भी नहीं दिखता। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था और बड़ा ही सुंदर सा लग रहा था, सफ़ेद सफ़ेद बादल थे और काफ़ी सुंदर सा बाहर का व्यू दिख रहा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि विंडो साइड में मैं बैठी थी तो मुझे ये पूरा बाहर का देखने का एक्सपीरियंस भी मिला और मैं काफ़ी मज़े कर रही थी यहाँ पे। तो हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ किए हुए यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो चुका था और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे सेफ्टी को लेकर, ऑक्सीजन मास्क को लेकर, तो बस यही सब देख रहे कृपया थे। ध्यान दीजिए सभी यात्रियों और और बच्चों फिर से। थोड़ी देर बाद मैंने ये, और इतना क्लियर यहाँ पर व्यू आ रहा था यहाँ से, तो मैंने ये भी शूट कर लिया कि आप लोग भी सभी लोग इसको देख लें। वैसे तो बहुत ही कॉमन बात है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी।
यहाँ हमारी फ्लाइट के साथ जो कॉम्बो मील था वो ऐड था, तो यहाँ पे मेरा पनीर टिक्का सैंडविच था तो आ गया था, और ये काफ़ी बड़ा था तो मुझसे खाया नहीं गया। मैंने थोड़ा बहुत खाया और इतने में मेरा पेट भर गया था, साथ में नॉर्मल वाटर था, मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि 1 घंटे की फ़्लाइट थी, उसमें क्या इतना खाना है। और बस यहाँ पर हम लोगों ने अपना मील वील ले लिया, उसके बाद मुझे 1 घंटे की फ़्लाइट का कुछ भी समय समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो बस इंजॉय कर रही थी, वीडियो वगैरह बना रही थी, और आराम आराम से हम लोग कब दिल्ली पहुंच गए कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई थी कि हम कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं दिल्ली में, और ऊपर से इतना सुंदर व्यू दिख रहा था जैसे कि आपको भी दिख रहा होगा, पूरा सिटी दिख रहा था, इतना बड़ा दिल्ली दिख रहा था ऊपर से, और क्लियर क्लियर ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, ये नोएडा में है, तो ये नोएडा भी यहाँ पे, मतलब आपको तो क्लियर क्लियर सारे नज़ारे दिखेंगे। यहाँ पर लोटस टेम्पल भी दिख रहा था, ये सारी मेट्रो लाइन्स दिख रही थी, तो ये जो व्यू था काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था रिकॉर्ड करना, और मैं चाहती थी कि ये मैं अपने वीडियो में सब कुछ शूट करके डालूँ, तो मैंने ये सब कुछ भी रिकॉर्ड किया। और ये देखिए बस अब हम लोग लैंड करने वाले हैं, और हम आ चुके हैं यहाँ के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, तो बस ये देखिए आपको ये सारा एयरपोर्ट दिख रहा होगा, और ये सारी व्हीकल्स वगैरह ये इसी की एयरपोर्ट की है, और ये जो एयरपोर्ट है दिल्ली का, ऑब्वियस सी बात है तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और यहाँ पर आप देखिए सारे अलग अलग कितने सारे यहाँ पे प्लेन्स लगे हुए हैं, बहुत सारे। तो बस हम लोग लैंड कर गए हैं, और अब जो ये बसेस चलती है यहाँ अंदर जाने के लिए, तो वो बसेस में अब हम लोग बैठ के अपना लगेज देंगे एयरपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमें बस एकदम इंडिगो वाली बस मिल गई, और हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो वहाँ पे जो भी बेल्ट होंगे उसमें हमें अपने बैग्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो बस हम लोग सभी यहाँ पर बैठ गए थे बस में, और ये बस चलेगी, और कुछ ही मिनट की दूरी में हमें एयरपोर्ट के अंदर जाना है, और फिर उसके बाद हम वहाँ से हमारे जो भी लगेज बैग होगा वो कलेक्ट करेंगे, और बस इतना ही। तो ये थी 1 घंटे की छोटी सी मेरी पहली फ्लाइट की जर्नी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। हाय एवरीवन, तो आपने आज मेरे पूरे दिन की जर्नी तो देख ही लिए होंगे। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ अपने ऑफिस से, अभी रात के 8:40 हो रहे हैं, और पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, बहुत थकान भरा था। तो अभी जस्ट ऑफिस से मैं लौटी हूँ अपने होटल के रूम में, तो अभी मैं फ्रेशन अप हो जाऊँगी, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, और उसके बाद मैं घर में थोड़ा बहुत बात करके सो जाऊँगी क्योंकि मॉर्निंग में भी 8 बजे हम लोग को ऑफिस पहुँचना है। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, और आप लोग को मैं बाय बाय बोल देती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करेगा और शेयर करेगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अपनी जर्नी जो भी है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।